यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो सफाई कर्मचारियों की सरकार के साथ में 16 मई को बैठक हुई थी, उसमें क्या कुछ रहा यह आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, और साथ ही सफाई कर्मियों की मांग क्या है जिसको लेकर यह बैठक हुई। समान काम समान वेतन देने की मांग, ठेका प्रथा खत्म करने की मांग, स्थायी भर्ती करने की मांग, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, न्यूनतम वेतनमान 15,000 किया जाए, नौकरी के दौरान कर्मचारी की मौत पर उसके परिजन को नौकरी मिले। सफाई कर्मचारियों की मांगों के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि 16 मई को सफाई कर्मचारियों की सरकार के साथ जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ रहा। समान काम समान वेतन के लिए एक कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया। कमेटी 31 मई 2018 से पहले अपनी रिपोर्ट देगी। सफाई कर्मचारियों के सफाई विशेष भत्ते को 300 रूपए से बढ़ाकर 1,000 रूपए करने का निर्णय लिया गया। भविष्य में किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सफाई कर्मचारियों या सीवर मैनों की आपूर्ति का कोई नया आउटसोर्सिंग अनुबंध नहीं किया जाएगा। वर्तमान आउटसोर्सिंग नीति अनुबंध भी इसकी समाप्ति की तिथि तक जारी रहेगा। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कर्मचारियों के व्यक्तिगत खातों में PF और ESI सीधे जमा किया जाएगा। संबंधित ठेकेदारों द्वारा विभिन्न कर्मचारियों के खातों में PF और ESI जमा करने के विवरण न मिलने पर विजिलेंस जांच करवाई जाएगी।